उसके बाद मैं सिंपली बताने जा रहा हूँ कि आप मैं पोस्ट प्रिंट 58 mm प्रिंटर को आप फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली फ़ोन से आप OTG केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए OTG केबल है, इसको हम USB में लगा देंगे और इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे। सिंपली उसके बाद से हम इसको कनेक्ट करें। देखिए उसके बाद से आपको एक ऐप डाउनलोड कर, अगर आपके पास कोई ऐप नहीं है बिलिंग का या कोई आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते हैं कुछ भी, तो आपको एक ऐप डाउनलोड कर आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाके हम एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, RAW BT। देखिए ये हमारा ये जो फर्स्ट है ये RAW BT ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। इसमें हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम USB पे क्लिक करेंगे। USB पे क्लिक करके इसको देखिए सिलेक्ट करेंगे। USB प्रिंटर तो 2 इंच का प्रिंटर है, उसके बाद से हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए अब ये आपका जो है ये ऐप, अगर आप कोई भी जैसे ऐप इस्तेमाल नहीं करते हैं बिलिंग के लिए, तो ये आपका जैसे बैंक का बिल निकालना हो या कुछ भी, तो ये काम करेगा, इसके लिए ये काम करेगा। आप इससे भी कोई भी प्रिंट कर सकते हैं बिल निकाल के। देखिए मैं टेस्ट कर प्रिंट करते हैं। और मैं आपको इसको अब मेरा ऐप है, आप चाहते हैं अगर आप इस प्रिंटर को लेते हैं तो इसके साथ में आपको मेरा बिलिंग ऐप मिलेगा 3 महीने के लिए, जो फ्री होगा। 3 महीने आप इसको फ्री में चला सकते हैं मेरे ऐप को। मेरा ऐप आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप बिल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अपना जो भी शॉप हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो, उससे आप बिल बना सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, पोस्ट प्रिंट टाइप करेंगे। ये मेरा ऐप है द फर्स्ट वन, पोस्ट प्रिंट ऐप खोलेंगे, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए मैंने तो ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। और इसमें देखिए इसमें हम इस प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे अपने ऐप में। सेटिंग में जाएंगे, प्रिंटर पे जाएंगे, ऐप प्रिंटर कर लेंगे, ये USB सेलेक्ट कर लेंगे। USB पे जाएंगे, देखिए प्रिंटर शो कर रहा है। प्रिंट पर जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट, कनेक्ट पे जाएंगे, इसको कर देंगे ओके। ओके ये कुछ टाइम लेगा कनेक्टिंग के लिए। टेस्ट पेज दे देंगे, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि प्रिंटर कनेक्ट हो गया है कि नहीं। उसके बाद से हम इसका यहाँ पे प्रिंटर का नाम दे देंगे सेव करने के लिए। क्या कहेंगे, टू USB प्रिंटर, तो USB को ऑटो प्रिंट पे कर देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे ऐप में क्या क्या है, कैसे आप बिल बना सकते हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए आपका आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट डाल सकते हैं। आप प्रोडक्ट देखिए, मैं अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। देखिए मेरे मैंने जो प्रोडक्ट डाले, आप पिक्चर डाल सकते हैं, सारा कुछ डाल सकते हैं इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट ऐड कैसे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट में, जाके प्रोडक्ट में जाएंगे, आप यहाँ से करेक्ट, आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो कैटेगरी बना के डाल सकते हैं, आपके पास कोई कैटेगरी है तो। उसके बाद से आप सब कैटेगरी बना सकते हैं,
पार्टनर बना सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पार्टनर प्रोडक्ट नेम डाल सकते हैं, लैंग्वेज भी आप डाल सकते हैं कोई और लैंग्वेज आप चाहते हो तो, और यूनिट में आप डाल सकते हैं नंबर, केजी, ग्राम, लीटर, मीटर, जो भी आप जिसमें आपका प्रोडक्ट हो उसके बाद से यहाँ पे डाल सकते हैं। बार कोड आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप बार कोड डालेंगे इसमें सेलिंग प्राइस में डाल सकते हैं, परचेस आपने कितने में किया है, एमआरपी आपका कितना है, तो सेलिंग प्राइस एमआरपी जब आप करेक्ट डालेंगे तो आप एग्जैक्ट इन द डे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल, मंथली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, जैसे आप चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का फोटो भी डाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद से मैं दिखाता हूँ आप बिल कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ से अपने कंपनी का प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज सेल कर सकते हैं, ऑर्डर हो जाए, सारा सेटिंग आपको जीएसटी के साथ आप बिल बना सकते हैं। जीएसटी आप चाहें देखिए, नो रिकॉर्ड है अभी, आप जीएसटी मैंने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर जाएंगे सेटिंग में, जनरल सेकेंडरी देखिए, टैक्स चाहिए कि नहीं, जीएसटी चाहिए कि नहीं, आप जैसे आपका प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स और जीएसटी आप इस पर ओके कर देंगे तो जितना प्राइस आप डालेंगे उसमें ऑलरेडी अब वो जीएसटी माइनस कर लेगा। लैंग्वेज आपको क्या चाहिए, रिसीव फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, करेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, सारी सुविधाएँ इसमें हैं। और उसके बाद से अपने कंपनी का प्रोफाइल, नाम, लोगो, सब कुछ इसमें आप बना सकते हैं, डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कस्टमर में आप कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको कस्टमर ऐड करना हो तो आप कस्टमर ऐड करेंगे। यहाँ से आप सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, कैशियर वाइज, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैशियर हैं तो आप कैशियर वाइज भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद से हम आ जाते हैं, अब मैं बिल बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारा प्रोडक्ट, ये मेरा ऊपर आ जाएगा कैटेगरी, अब जैसे जो भी कैटेगरी में जाना चाहें डाल सकते हैं। देखिए ये आ गया प्रोडक्ट, मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ से नंबर आप चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, आगे किए, चेकआउट किए, अब ये टेक अवे है, डिलीवरी आप दोनों भी डाल सकते हैं, ऐड पेमेंट करेंगे, ऐड पेमेंट में क्या है, कैसे पेमेंट किया है, कैश, कार्ड, वॉलेट, चेक, कूपन, कैश पे जाएंगे, कैश पे जाएंगे। देखिए अमाउंट सपोज 50 है तो सपोज 600 कस्टमर ने दिया, ऐड पेमेंट हो गया, अब यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ये होगी, ये देखिए आपकी बिल, आपका देखिए सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका बिल, मैं आपका शो करता हूँ, आप देख सकते हैं 600 पेमेंट, 50 कैश रिटर्न करना है कैशियर के द्वारा, आपका सब कुछ आ जाएगा, नाम, नंबर, जीएसटी नंबर, बिल। ये हम लोग का ऐप है, आप अगर ये प्रिंटर के साथ ऐप लेना चाहते हैं हमें बताएं, हम 3 महीने के लिए आपको ऐप फ्री में होगा। इसे आप, इस ऐप को आप कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे आप सिर्फ बिल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, अपना बिल चेक कर सकते हैं, सेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ से जैसे काउंटर सेल नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर से, आप ये एंड्रॉयड सेट से ही कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहें प्रिंटर के बारे में, ऐप के बारे में, हमें कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।